बेबसी से अकुलाई आंखों में अगर कोई रंगीन सपना सजा दे तो जिम्मेदारी सपने सजाने वाले की बढ़ जाती है। जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की भी बढ़ गई है। यही वजह है कि जब उनके हाथ सत्ता आई तो खुशी में पूरा देश झूमा, बाजार झूमा, हर सेक्टर की उम्मीदों को पंख लगे, आंखों में सपने पलने लगे। अब बारी नरेंद्र मोदी की है। 10 जुलाई को वित्त मंत्री अरुण जेटली मोदी सरकार के पहले बजट का सूटकेस ही नहीं खोलेंगे, उस दिन देश की आशाओं और भरोसे का पिटारा भी खुलेगा। देश की 125 करोड़ जनता की उम्मीदों की लहरों पर सवार होकर नरेंद्र मोदी दिल्ली के तख्त पर पहुंचे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और अब बारी है उनकी कि वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरें। जनता को महंगाई से राहत मिले, भ्रष्टाचार से राहत मिले, जनता की उम्मीदों की फेहरिस्त काफी लंबी है। किसी को इनकम टैक्स में छूट की दरकार है तो कोई होम लोन की दर कम होने के इंतजार में है। गृहिणियों को अपनी रसोई की चिंता है तो छात्रों को अपने भविष्य की। उद्योग जगत अलग अच्छे दिनों की बाट जोह रहा है। देखिए, असल बात है पहले एक माहौल की, और माहौल क्या क्या चीजों से कंट्रोल होता है, जरूरी नहीं सारी बातें इन्वेस्टमेंट से चालू हों। एक जनरल फीलिंग ऑफ कंफर्ट आती है। जो देश के सामने सबसे बड़ी दो की इश्यूज खड़े हैं वो एक है फूड इन्फ्लेशन का और एक है आपके एम्प्लॉयमेंट का। दीज आर द टू सेंट्रल पॉइंट जिनके ऊपर सारी पॉलिसीज आधारित है। अगर फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं रहेगा तो ना आपके पास कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, ना कंज्यूमर सेंटिमेंट है, आपका डोमेस्टिक मार्केट नहीं चल पा रहा है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होती जा रही है, वो सब उसके साइड इफेक्ट्स हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले बजट से किसानों ने भी बहुत उम्मीद लगा रखी है। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए कुछ ऐसा हो कि उनके अच्छे दिन आ जाएं। 60% किसान तकरीबन अन्नदाता देश का जो है वो भूखे पेट सोता है, और ये आज की बात नहीं है, इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं और कहीं इसकी चर्चा नहीं होती है। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे किसान जो हैं, जो हमारे इकोनॉमिक रडार है उससे बाहर है। बजट से नौजवानों को भी काफी उम्मीदें हैं। यूपीए सरकार ने 1 करोड़ रोजगार के अवसर मुहैया करवाने का वादा किया था, जो वादा पूरा नहीं हो पाया। अब बारी नरेंद्र मोदी सरकार की है। लक्ष्य बहुत बड़ा है। विशेषज्ञों की माने तो हर महीने 10 लाख नौकरियां देने पर ही आएंगे अच्छे दिन। 10 लाख जॉब्स चाहिए एवरी मंथ फॉर 10 ईयर्स, और नॉन फार्म जॉब्स चाहिए अगर आपको हिंदुस्तान की लोगों को रीजनेबल एम्प्लॉयमेंट देना है। 10 लाख जॉब माने साहब रोज के 30,000 जॉब हुए नॉन फार्म में। एवरी ईयर 10 लाख जॉब आप है जी, एवरी मंथ, एवरी मंथ 10 लाख। तो प्रणब मुखर्जी ने आखिरी बजट जो कहा पेश किया था राष्ट्रपति बनने से पहले, उसमें उन्होंने 1 करोड़ रोजगार का जिक्र किया था साल का, साल में सर वही हो गया ना, एक करोड़ 20 लाख। लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ, 7% भी नहीं पकड़ पाए। उल्टा देखिए, वी हैव हैड जॉबलेस ग्रोथ, थोड़ा बहुत जो भी ग्रोथ हुआ, 4% हुआ है चाहे 5% हुआ है, वी हैव हैड जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ हो गया, पर ग्रोथलेस जॉब नहीं हो सकती। बाजार भी बड़ी आस के साथ नरेंद्र मोदी सरकार के बजट को देख रहा है। 12 मई को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और एनडीए के पूर्ण बहुमत में आने की झलक मिली तो सेंसेक्स 25,000 के पार चला गया था। अब बाजार को भी उम्मीद है कि विदेशी निवेश का माहौल बनेगा, बाजार में बहार रहेगी। अभी तक हमारे हिंदुस्तान में जो ग्लोबल फंड्स हैं उन वो हिंदुस्तान को देखते भी नहीं है। खाली जो एशिया सेंट्रिक फंड्स थोड़े बहुत हैं या किसी ने कुछ फंड एलोकेशन करा है वो लोग हमको देखते हैं। जो टॉप 20-30 ग्लोबल फंड्स हैं वो हिंदुस्तान को अभी देख नहीं रहे, और अगर वो आने लगे तो हिंदुस्तान की काया पलट जाएगी। देश की सेना को भी बजट से कुछ कम आस नहीं है। सरकार से एक तरफ जहां ढांचा बदलने की उम्मीद है, वहीं एक आस ये भी है कि हथियार और गोला बारूद बनाने में देश आत्मनिर्भर बने, आयात की बजाय हम हथियारों का निर्यात करें। बहुत शर्मनाक बात है कि 60-70 साल हो गए हैं इंडिपेंडेंस के बाद और हम दुनिया के सबसे बड़े हथियारों के इंपोर्टर हैं, जहाँ की चीन जो है वो पांचवां बड़ा एक्सपोर्टर है, पाकिस्तान ने भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत निराशा की बात है कि डीआरडीओ को चांस मिला लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ नहीं दिखाया, हमारे डिफेंस पीएसयू जो हैं उन्होंने भी कुछ करके नहीं दिखाया। तो अब टाइम आ गया है कि कुछ ड्रास्टिक स्टेप लिए जाएं। तो पहली बात तो प्राइवेट सेक्टर में जिसमें बहुत टैलेंट है, जिनको बहुत एक्सपीरियंस है काम करने का, उनको इजाजत देनी चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें डिफेंस प्रोडक्शन में। जितने चेहरे उतनी उम्मीदें,
जाहिर सी बात है कि हर क्षेत्र ने मोदी सरकार के पहले आम बजट से तमाम उम्मीदें जोड़ रखी हैं। इन उम्मीदों पर खरा उतरना नरेंद्र मोदी सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आज तक ब्यूरो। ताकतवर और कमजोर की कभी दोस्ती नहीं होती। नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के साथ ही अपनी और इस देश की ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को करवा दिया। विदेश नीति की मजबूती का प्रमाण भी मिल गया जब इराक में आतंकवादियों की गिरफ्त में फंसी सभी 46 नर्सें सकुशल भारत पहुंच गईं। ये तो बस वानगी है, लेकिन देश की ताकत बढ़ाने के लिए अभी मोदी सरकार को बहुत कुछ करना है। देश की सेनाओं को भी मोदी सरकार के इस पहले बजट से काफी उम्मीदें हैं। ये सिर्फ देश के लिए ही नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भी बेहद सुकून भरा दिन है। इराक में बंधक बनी सभी 46 नर्सें आतंकवादियों की चंगुल से मुक्त हुई तो ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही। बजट से पहले सरकार के लिए अच्छी खबर, अच्छे दिन की बोहनी जैसी। जो नर्सें आतंकवादियों की चंगुल से छूट गईं, उन्हें तो लगा जैसे नई जिंदगी मिल गई। इराक से बंधक नर्सें तो छूटकर घर आ गईं, लेकिन अभी भी वहां पंजाब के कई लोग फंसे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही सरकार उन्हें भी छुड़ा लेगी। जिन्हें भी मिनिस्टर है ना, अगे साड़ी यही प्रार्थना है कि जल्द तो जल्द साडे बच्चे जेडे आ ये रहा किते जान, साडे बच्चियां नूं भी वापस वतन परतन दी आग्या दे। नर्सों की रिहाई के बाद सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर खरी उतरी है, लेकिन उसके सामने अभी चुनौती इराक में फंसे बाकी भारतीयों को छुड़ाने की है। नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलावा भेजा था। ये पड़ोसियों से अच्छे रिश्तों की पहल थी तो अपनी ताकत दिखाने का मौका भी, जिसका इजहार भी मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किया। भारत किसी को भी आंख दिखाने के पक्ष में नहीं है और न ही भारत अब आंख झुकाकर के जीने के लिए तैयार है। हम दुनिया की कितनी ही ताकत क्यों ना हो, भारत इराक में गृह युद्ध के दौरान भारतीयों को सकुशल देश वापसी कराने में सरकार कामयाब रही, लेकिन पड़ोस की चुनौतियां अभी बनी हुई हैं। ताकत की ये आज भी कमोबेश नरेंद्र मोदी सरकार के बजट से जुड़ी है। पिछले 4 हफ्ते या 5 हफ्ते में जो उन्होंने कार्रवाई दिखाई है उससे हमको काफी उम्मीदें आती हैं। और एक आदमी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मिनिस्ट्री की है तो वो यकीन से देखेगा कि मुझे क्या क्या जरूरतें मेरी प्रायोरिटी हैं। इन्होंने मीटिंग की हैं तीनों चीफ के साथ में, कई मीटिंग्स उन्होंने रक्षा मंत्रालय में भी की हैं, तो उससे हम लोगों की उम्मीद बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतना भरोसा तो दिलाया है कि वो बैठकर तमाशा नहीं देखने वाली। सरकार अपनी ताकत के दम पर ताकतवर से दोस्ती करेगी। देश की ताकत बढ़ाने के लिए सरकार क्या करने वाली है, इसका आईना भी बजट में दिखेगा। आज तक ब्यूरो। अच्छे दिनों की आस में देश की 125 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी सरकार के इस पहले बजट की बाट जोह रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी के कुछ ऐसे भी महारथी हैं जिन्हें अच्छे दिन लाने के लिए किसी बजट की दरकार नहीं है। पैसे का इंतजाम करना उनके लिए माइंड गेम है। ऐसे चमत्कार की एक झलक वो कई बरस पहले दे चुके हैं। अब वो देश भर में अच्छे दिन लाने के लिए ताल ठोक रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले आम बजट से देश की जनता की किस्मत का पिटारा खुलेगा। बजट में जो कुछ होगा वो तो होगा ही, लेकिन उससे पहले ही मोदी के महारथी ताल ठोक रहे हैं कि वो अपने दम पर अच्छे दिन लाएंगे। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दावा कर रहे हैं कि वो 1,00,000 करोड़ रुपए का फंड उगाह कर सड़कों का कायाकल्प कर देंगे। मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जब बनाई तब नाबार्ड के चेयरमैन, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मेरे कमेटी में थे। तब उन्होंने कहा कि हर गांव को अगर रोड बन जाएगी तो देश में 1,10,000 करोड़ का GDP बढ़ेगा। वैसे ही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रोड से एग्रीकल्चर सेक्टर को भी फायदा है, सर्विस सेक्टर को भी फायदा है, इंडस्ट्री को भी फायदा है, नए रोजगार निर्माण होंगे। और मैंने ये तय किया कि 2 साल के अंदर हर दिन में 30 किलोमीटर रोड बनेंगे। नितिन गडकरी ने तो वैसे भी देश के 2 लाख से ज्यादा ई रिक्शा चालकों के अच्छे दिन ला दिए हैं, उन्हें बिना लाइसेंस रिक्शा चलाने की इजाजत देकर।
क्या इस देश में 2 करोड़ लोग आदमी को आदमी खींचने का काम करता है ये अच्छा है? बिल्कुल नहीं है। 2 क्विंटल का बोझा ऐसा खींच के जाता है ये अच्छा है? बिल्कुल नहीं है। और आप ई रिक्शा की तुलना करना है तो साइकिल रिक्शा से करो, 50 साल से निर्णय नहीं हो रहा था। नितिन गडकरी सड़कों के अच्छे दिन लाने के दावे कर रहे हैं तो उम्मीद इस सरकार से गंगा मैया को भी बंधी है। गंगा सफाई नरेंद्र मोदी का चुनावी वादा था। मोदी ने वादा निभाने की दिशा में कदम भी बढ़ा दिए। उन्होंने इसके लिए एक अलग मंत्रालय बनाकर जिम्मा गंगा भक्त उमा भारती को दे दिया। अब 4 मंत्रालय साधु संतों के साथ मिलकर गंगा जल को स्वच्छ करने की मुहिम चलाएंगे। हम 7 तारीख को एक गंगा मंथन करने जा रहे हैं विज्ञान भवन में, तो गंगा मंथन में सबको सुनेंगे, जो जनप्रतिनिधि है उनको भी, जो NGOs है उनको भी, जो वैज्ञानिक है जिस पर उन्होंने काम किया है उनको भी, टेक्नोक्रेट्स है जिन्होंने गंगा मिशन पे बहुत सारा काम किया है उनको भी सुनेंगे, और जो मूवमेंट में है साधु संत है और बाकी लोग भी है गंगा के लिए बहुत प्यार से लोग काम करते हैं अपने अपने तरीके से, तो उनको भी सुनेंगे। सबका सुन के फिर मंथन, इसलिए उसको मंथन नाम दिया। नरेंद्र मोदी के पास एक विजन है, विकास का एक मॉडल है जिसे उन्होंने बड़ी ही कामयाबी से गुजरात में लागू किया। लेकिन ये गुजरात नहीं भारत जैसे विशाल देश का मामला है। जरूरतें अलग अलग हैं, उम्मीदें अलग अलग हैं। मोदी सरकार के बजट में ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक की जनता की उम्मीदें पूरी हों, उनके अच्छे दिन आए। आज तक ब्यूरो। गुजरात में जब बिजली जाती है तब खबर बनती है और यहाँ जब बिजली आती है तब खबर बनती है। याद दिलाने की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी का वो डायलॉग है जो उन्होंने चुनावी भाषणों में कई बार बोला। साथ ही 24 घंटे बिजली मिलने की आस भी बंधाई। फिलहाल तो कई प्रदेशों में बिजली की हालत बदतर हुई है, फिर भी मोदी सरकार 24 घंटे बिजली देने के लिए कमर कस रही है। सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो ट्रांसमिशन लाइन की, अगर समय रहते उस काम को बल दिया गया होता तो शायद बहुत बड़ी मात्रा में उसका लाभ हुआ होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उरी क्षेत्र में 240 मेगावाट क्षमता वाली बिजली इकाई का उद्घाटन किया तो देश की तमाम जनता के चेहरे पर राहत नजर आई। इस परियोजना से जो बिजली पैदा होगी वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के उन लोगों के लिए अच्छे दिनों की दस्तक है जो पिछले कई दिनों से बिजली संकट से जूझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने चुनावों में पूरे देश को 24 घंटे बिजली देने का सपना दिखाया था। बार बार नरेंद्र मोदी गुजरात में 2400 घंटे बिजली की नजीर देते थे। अब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिजली का हाल वही है। दिन में चढ़ता सूरज चैन नहीं लेने देता और रात को भी बत्ती गुल हो जाती है। और अब जब बजट आने को है तो उम्मीदें एक बार फिर आसमान पर हैं। मोदी सरकार के बजट में पावर सेक्टर के लिए क्या निकलता है इस पर देश की निगाहें लगी हैं। बहरहाल ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का दावा है कि अच्छे दिन जरूर आएंगे क्योंकि उन्होंने बिजली संकट की जड़ को समझ लिया है। 27 को चार्ज लिया, 29 को हम बैठे तो उन्होंने निर्देश दिया कि भाई ये जल्द से जल्द तय करो, तो जुलाई तक हमें उम्मीद है, जुलाई आखिरी तक इनवायलेट एरियाज क्या है तय होंगे। तो एक तरफ तो ये कोयले की प्रोडक्शन 4-5 वर्षों से स्टैग्नेट हो गई, साथ ही साथ जो उम्मीद थी कि प्राइवेट सेक्टर लगभग 132-135 टन अभी तक कोयला का उत्पादन सालाना करेगा, वो भ्रष्टाचार के आड़ में कोर्ट्स के चक्कर में लाख टन 135 मिलियन टन का उत्पादन करना था, वो आज 35-37 मिलियन टन पे रुक गया है। पीयूष गोयल का मानना है कि समस्या का पता चल चुका है और उससे निपटने के लिए कदम भी बढ़ाए जा चुके हैं और वो दिन दूर नहीं कि जनता को अच्छे दिन नजर आने लगेंगे, लेकिन इसमें जनता की भागीदारी भी चाहिए। आज तक ब्यूरो। तो क्या कड़वी दवा के बाद बजट से जनता का मुंह मीठा कराएगी नरेंद्र मोदी सरकार? आशा पूरे देश को है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।